हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 15, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिकली मतलब होता है ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड। एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी ट्रांसैक्शन होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ कंट्रीज ट्रांसैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाइड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन July 1991 टू रिफॉर्म द फिजिकल इम्बेलेंस डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड द क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो गवर्नमेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। उसके अंदर इसने क्या किया था कि जो भी हमारे फिजिकल इम्बेलेंस थे, जो कर्ज था या फिर जो हमारा इकोनॉमी सही नहीं था, उसको सही करने के लिए कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए गए थे। ऑल दो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैड स्टार्टेड इन 1980s, येट इट वॉज नॉट रेगुलेटेड एट दैट टाइम विथ एब्सोल्यूट सीरियसनेस। जो लिबरलाइजेशन था, ये 1980 तक कम्प्लीट हो रहा था, लेकिन फिर भी ये जो हम रिफॉर्म कर रहे हैं, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था जिस तरीके से होना चाहिए। दस दीज प्रॉब्लम्स बिकेम इंटेंस। इंडिया रिक्वेस्टेड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन दैट कंडीशन 1991। इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में था, क्योंकि इसका जो बैलेंस था, इसके कर्ज में बार बार डूब रहा था। इसलिए इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं, जो मॉनेटरी हेल्प करता है, उनसे। एक था वर्ल्ड बैंक एंड दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन्स टू इंडिया ऑन सर्टेन कंडीशन। इन ऑर्गेनाइजेशन से हमें लोन लेना था, क्योंकि जब कंट्री को लोन लेना होता है तो हम इन्हीं से लोन लेते हैं। तो उन्होंने लोन तो दिया, बट कुछ उनकी कंडीशंस थी। इंडिया फॉलोड दीज कंडीशन एंड अनाउंस अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एंड इम्प्लीमेंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म। एंड इंडिया ने वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को माना, उन सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को उन्होंने माना और इम्प्लीमेंट किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। वर्ल्ड बैंक इन 1944 बाय द एग्रीमेंट ऑफ ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वॉज स्टेब्लिश। जनरली इट इज़ नोन एज वर्ल्ड बैंक। ब्रिटन वुड्स के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत ये वर्ल्ड बैंक बनाया गया। और इससे क्या होता है, जिस भी नेशन को लोन लेना होता है या कुछ भी पैसों से रिलेटेड काम होता है, तो वो यहाँ से वर्ल्ड बैंक से ले सकता है। अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड। The solutions of economic stability were short-term in nature. Economic stability का मतलब होता है जो भी हमारी economic condition है, उसको stable रखना, कि ये बार बार हमें घाटा ना लगे, एटलीस्ट जितना है उतना तो रहे। Under these solutions to control the problem, balance of payment, inflations were included. Balance of payment को control करना, inflation जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई, उसको control करना। Structural reforms were long reforms of economic structure and workability. Under these reforms, the government redefined its policies and started many new schemes. Economic reforms were implemented through the process of liberalization, privatization and globalization. Economic reforms को implement किया गया, और किसके साथ? Liberalization, privatization and globalization. ये तीनों ही word बहुत important है. Now, liberalization. Liberalization का basically मतलब होता है liberal. लिबरल का मतलब होता है आज़ादी, कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, मीन्स जो भी प्राइवेट सेक्टर थे पहले, क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए तो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट सेक्टर था उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, और गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ। इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दें। बट प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या करना था, कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी पॉलिसीज थी, जो भी रूल्स थे, उनको कम करो, उनको रिमूव करो, इनको फ्री करो। तो लिबरलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है फ्री। इन इकोनॉमिक द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस टू सिंप्लीफाई द इकोनॉमिक पॉलिसीज रूल्स एंड लॉ। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, इनको क्या करो, इनको सिंप्लीफाई करो, इनको सरल तरीके से करो। द गवर्नमेंट वॉज इन द रोल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोलर एंड प्रोड्यूसर इन द डेवलपमेंट पॉलिसी अडॉप्टेड बिफोर 1991। मैनी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस वर इम्पोज टू प्ले this role. The government's plan in 1991 in the new economic policy to eliminate unnecessary control and restrictions were called liberalization. जो 1991 के reform से पहले जो भी policies हुआ करती थी या जो भी control था, वो पूरा का पूरा government का था। ये policy आने के बाद क्या हुआ, government ने कहा कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, उसको हमें थोड़ा सा eliminate करना पड़ेगा। जो भी हमारी policies है, जैसे rules थे, laws थे, इनको
एलिमिनेट, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो और जो चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सिंपल तरीके से करो. अंडर दिस प्लान ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अनाउंस इन जुलाई 1991 एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंसिव रिफॉर्म स्टार्टेड इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. कॉम्प्रेहेंसिव रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन फाइनेंशियल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड सेवरल अननेसेसरी रूल्स एंड कंट्रोल्स वर एलिमिनेटेड. जो चीज़ें नहीं थी उनको हमने हटा दी और जो भी पॉलिसीज थे रूल्स थे उनको ईजी कर दिया. बाय द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सोशलिस्ट मिक्सड इकोनॉमीज टू कैपिटलिस्ट मिक्सड इकोनॉमी. इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट डिक्रीज बाय दिस एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म इन टू फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब क्या हुआ, जो सोशलिस्ट मिक्सड इकोनॉमी, सोशलिस्ट का मतलब होता है सोसाइटी का जो करता है सोसाइटी वेलफेयर, एंड कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जो भी प्राइवेट सेक्टर है सिर्फ उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना. तो अब एक नया इसके नई पॉलिसी आती है, क्या हो गया, जो हमारा इकोनॉमी था वो कैपिटलिस्ट मिक्सड इकोनॉमी की तरफ चलने लग गया कि अब जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको भी इंपॉर्टेंस देने लगे और उनके लिए फ्री मार्केट कर दिया. स्ट्रक्चर्स रिजिडनेस ऑफ द इकोनॉमी एंडेड थ्रू लिबरलाइजेशन. देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट ऑब्स्टिकल्स इन इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड पॉलिसीज. जो भी इकोनॉमिक सेक्टर्स थे पॉलिसीज थे जो हम ट्रेड करते थे या बिजनेस करते थे उनमें जो चीज़ें नहीं चाहिए थी या जो फालतू के थे ऑब्स्टिकल पैदा करते थे उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको हटा दिया. वॉट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन इंडिया इन एक्चुअल टर्म इन इम्प्लीमेंशंस ऑफ फॉरेन एक्सपेरिमेंट्स विदाउट गिविंग एट एनी थॉट्स. मिक्सड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वॉज रीच सच क्रॉस रोड्स फ्रॉम वेयर इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वदेशी ड्यू टू इट्स इंक्लिनेशंस टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन. लिबरलिस्ट कंट्रीज टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड इंडिया इमर्ज ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिसर्च लेबोरेटरीज इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म. अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इट्स पोटेंशियल मिडल क्लास इमर्ज ऑन द horizon of liberalist countries. It was impossible for the future government to move ahead on the path on which the earlier government had placed the country as big market in the name of globalization. जब हम बहुत ज़्यादा liberalization हो गया हमारे इंडिया में तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी भी आई जिसे हमारा इसमें थोड़ा सा disadvantage हो रहा था और उसको वापस सही करना जो new government थी उसके लिए बहुत ज़्यादा problem हो रहा था. Yes, तो ये होता है basically liberalization का मतलब होता है liberal करना. जैसे छोटा मोटा बिजनेस है तो उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही कर सकता है. अगर कुछ ज़्यादा उसको लोन्स वगैरह या फिर उसके जो टैक्सेस वगैरह उसमें छूट दो ताकि हर लोग अपना खुद का बिजनेस सेटअप करें. जब खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे तो इसका ओवरऑल जो बेनिफिट है वो किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा. इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना वही इसके अंदर है. इन इकोनॉमी द प्रोसेस विच इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट सेक्टर का रोल को इंक्रीज करना इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. In this economy, more chances are given to the private sectors and the role of public sector is sectors decrease. जैसे हम private sector को importance देने लगे तो जो public sectors था उसका role क्या होने लगे, थोड़ा decrease होने लगे. In the process of privatization, all such economic policies are included which promote the expansion of private sector. इस प्रोसेस में क्या किया गया, वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, उन सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बेनिफिशियल है. ट्रेडिशनली प्राइवेटाइजेशन मेंट द प्रोसेस ऑफ गिविंग अवे ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक स्टेट प्रॉपर्टीज़ इन द प्राइवेट हेड. जो भी पब्लिक था या स्टेट प्रॉपर्टीज था उनको भी प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करना. द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 1990 मैनी इंडस्ट्रीज वर वॉज रिक्वेस्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देम. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द पब्लिक सेक्टर अननेसेसरीली एक्सपेंडेड एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर रीज अ लो. जैसे हम आज़ाद हुए थे तो गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर को मीन्स जो गवर्नमेंट सेक्टर इसको इंपॉर्टेंट दो, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस होने लगे. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो काम करते नहीं थे, वहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका प्रोसेस जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा लो हो गया, उसकी वजह से गवर्नमेंट को घाटा लग गया. इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दें. मैनी पब्लिक सेक्टर स्टेब्लिस्ड बिकम अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट जो भी पब्लिक सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट पे क्या होने लगे, बर्डन होने लगे, क्योंकि वो कुछ काम तो कर नहीं रहे, उनसे कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा, उल्टा उनको ही ज़्यादा देना पड़ रहा है.
इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज ऑलमोस्ट अबोलिश इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991. जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था उसको अबोलिश कर दिया. एंड डिक्लाइन इन नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर ओपन न्यू डोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर. विथ प्राइवेटाइजेशन 1991 दो सेक्टर्स विच वर हेथरोटोस बेन वर ऑल्सो ओपन. दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मेड इन गवर्नमेंट सेक्टर अंडर प्राइवेटाइजेशन. This is also method of privatization. Disinvestment is the process of liquidation of asset in actual form, but in general form, it refers to the selling of state share from public sector undertaking to private sector. Basically, इसका मतलब होता है जो भी स्टेट शेयर होते हैं पब्लिक सेक्टर उनको प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ हैंड ओवर करना. द गवर्नमेंट और स्टेट कैन सेल अ पार्ट ऑफ इट्स शेयर और इट्स एंटायर स्टेक in public sector undertaking to the private sector. This investment program was started in 1991-1992 for privatization in India. Government got assistance in establishing fiscal discipline through privatization. Competitive power of economic was enhanced due to this. Next, globalization. Globalization का मतलब होता है globe. Means कि मान लो ये हमारी एक country है, ठीक है? पहले सिर्फ यहीं पे बिजनेस कर सकता था. कोई भी अगर इंसान है वो सिर्फ अपनी कंट्री में ही बिजनेस कर सकता है. अगर कोई भी इंसान है तो वो सिर्फ अपनी कंट्री में ही जॉब कर सकता है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता. मीन्स जो भी करना है उसको सिर्फ इसी लिमिटेड एरिया में ही करना है. तो मान लो एक ये कंट्री है, मान लो इसको वो काम आ रहा हो जो यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे इसको मशीनरी यूज़ करनी आ रही होगी जो यहाँ पे नहीं है. तो अब जो काम यहाँ पे ही आसानी से कर सकता वो यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि इसको इतना फ्रीडम नहीं है. तो इसे क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा स्किल है, वो क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो रहा है. तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम फ्री करेंगे. मान लो ये पूरी कंट्री, ये पूरा वर्ल्ड है, तो अगर कोई इस नेशन में रह रहा है वो कहीं पे भी जाके कहीं पे भी जॉब कर सकता है, कहीं पे भी जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, या कोई भी दूसरी कंट्री के आके किसी भी कंट्री में आके बिजनेस सेटअप कर सकता है. मीन्स ये था इंडिया के लेवल के लिए, क्योंकि ये सारी पॉलिसीज हम इंडिया के लेवल का पढ़ रहे हैं. तो मीन्स इंडिया का कोई भी पर्सन किसी भी बाहर की कंट्री में जाके बिजनेस कर सकता है, बाहर का कोई भी पर्सन इंडिया में आके बिजनेस कर सकता है. तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन. मीन्स पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी फ्री जाके काम करना, उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई उस पर पॉलिसीज नहीं है, वो जहाँ जाए अपना अपने तरीके से काम कर सकता है. द एसिमिलेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी को जो एक साथ लेके चलते हैं उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज सच अ प्रोसेस थ्रू विच नेशनल इकोनॉमीज एक्सपेंडेड आउट ऑफ देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज. ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज इकोनॉमिक ओपननेस एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज. फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड कंसोलिडेट्स फाइनेंशियल मार्केट, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज बिटवीन वेरियस कंट्रीज इज इंक्लूडेड इन वेरियस डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि हम हमारे प्रोडक्ट को और सर्विसेज को किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से हम बाय कर सकते हैं, हम हमारा कैपिटल फ्री फ्लो कर सकते हैं, हम लेबर्स ला सकते हैं, हम लेबर्स को दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं, हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हम अपने टेक्नोलॉजीज़ को बाहर भेज सकते हैं. ये सारे इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया गया. आफ्टर द इंडिपेंडेंस मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज ऑन फॉरन ट्रेड्स एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. दिस वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स to complete with foreign goods. In the year 1991, the government decided the time has come for the Indian producers to compete with world producer. It was believed that workability of industries and quality of goods will be improved through competition. In the process of globalization, ban on foreign trades and investment was lifted up to large extended. Obstacles in trade were removed and imports were facilitated. Bearing a few items, most of the items have been फॉलो अलाउड फॉर फ्री ट्रेड. यस, इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के बाद, जब ये 1991 का पॉलिसी हमने अडोप्ट नहीं किया, उससे पहले हम फॉरेन ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि उस पर जो टैक्सेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस या अदर टैक्सेस, वो बहुत ज़्यादा था. मीन्स हम कोई भी काम आराम से नहीं कर सकते थे. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अडोप्ट किया, हमने ये सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिया. अब हम फ्री फ्लो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं. Multinational companies are playing an important role in the process of globalization. Multinational companies वो companies होती है जिनका एक nation को छोड़ के अलग अलग nation सब जगह पे उनकी branches होती है.
A multinational company is one which control and keeps ownership of production in more than one country. Means multinational company का क्या होता है? Control and ownership जो होता है production का, वो एक country से ज़्यादा country में होता है. Means 4-5 country में या उससे भी ज़्यादा countries में. At present time, investment and technology is being exchanged in service amongst various countries. Exchange of information and communication technology has provided a rapid pace in globalization. This has played a major role in increasing production and services in various countries. With the help of information and communication technologies, India has also obtained the benefits of globalization by selling its services in the international market. और जब से ये आया globalization, इसमें हम हमारे technologies, communication, trade, import, export सारी चीज़ें हम free of law कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा इंडिया को बहुत हुआ था. The process of globalization has improved the allocations of resources in the entire world and has made them more functional. Production costs have declined as the result this and quality of goods has been enhanced. Means जो production cost था, जो किसी चीज़ को बनाने के लिए जो ज़्यादा रुपए लग रहे थे, वो क्या हो गया? वो कम हो गया. And उसका जो production हो रहा है, सामान जो मिल रहा है, वो ज़्यादा हो गया. International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization have played an important role in implementing this profitable process of globalization and making it a success. World Trade Organization was established on 1st January 1995 में World Trade Organization establish किया गया. World Trade Organization का मतलब एक संगठन होते हैं, ये ऐसे संगठन होते हैं जो इन इसी मेन चीज़ पे ये फोकस करते हैं कि कोई भी कंट्री कुछ मिस यूटिलाइज ना कर ले इसको, या फिर इसका डिसएडवांटेज ना कर दे, या कुछ दूसरे नेशन से ये ज़्यादा रुपए ना ले ले. फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशंस, इसका मेन वर्क क्या होता है? ये ट्रेड पॉलिसीज़ को बनाता है एंड कोऑर्डिनेशन रखता है अलग अलग नेशंस के बीच में. इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल्स मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स. इट प्रोवाइड अ सूटेबल फोरम फॉर एग्रीमेंट एंड डिस्कशंस टू इट्स मेंबर नेशन. इट ऑल्सो सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस नेशंस. इसके कुछ मेंबर्स होते हैं, वो सब बैठ के पूरा डिसीजंस लेते हैं ताकि सबके साथ इक्वल हो, किसी के भी कंट्री के साथ कोई लॉसेस ना हो. द कंसेप्ट ऑफ दिस वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट.